सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, एससी सेंट्रल लिस्ट को लेकर लगाई राज्य और केंद्र सरकार को फटकार। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब राज्य और केंद्र की सरकारों को एक जमकर कहने की फटकार लगाई गई है, क्योंकि तमाम राज्य की सरकार है ये लगातार कोशिश करती है कि जो अति पिछड़े जाति से जो चीजें ओबीसी समाज से आती है वो कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट के सूची में कहीं ना कहीं दर्ज की जाए, और हमेशा से यही लगातार कोशिश देखी गई है, जो कि बिहार की सरकार के माध्यम से भी की गई। इसके साथ साथ जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और इसके साथ साथ अखिलेश यादव की सरकार रही और योगी आदित्यनाथ के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के पाले से भी ये लगातार ये चीजें देखी गई, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम चीजों को जो अटकलें लगातार चल रही थी इस पर पूरी तरीके से अंकुश लगा दिया है। 1 जुलाई 2015 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था बिहार सरकार के जरिए, उस प्रस्ताव को पूरी तरीके से अब शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत का साफ तौर पर यह कहना है कि किसी भी तरीके से केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, इनके पास में इतनी शक्ति नहीं है कि कहने की वह तमाम अति पिछड़ा जो जाति है उनको शेड्यूल कास्ट में कहने की 241 के तहत उसमें वो शामिल कर सके। तमाम जो कहने का अधिकार है वो संसद के पास में है, संसद में ही जो फैसला लिया जाएगा उसके माध्यम से ही शेड्यूल कास्ट में तमाम जातियों को शामिल करने का काम किया जाएगा। ऐसे में जो 1 जुलाई 2015 को जो प्रस्ताव कहने के पारित किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अब खारिज कर दिया गया है, जिनका यह मानना था कि अत्यंत पिछड़ी जो जाति तांती तंतवा आती है इसको कहने के अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, और इस सूची में तकरीबन जो 5/85 जातियां थी इसके अंतर्गत इसको शामिल करने की कोशिश चल रही थी, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो ऐसे में आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में आती वो कोशिश करती है कि शेड्यूल कास्ट की तमाम जो सूची है इसमें अति पिछड़े को कहने के लगातार शामिल किया जाए, लेकिन इस तमाम मसले का विरोध अगर किसी के माध्यम से किया गया है तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के माध्यम से इस मसले का बड़ा विरोध किया गया था। बहन मायावती का साफ तौर पर कहना है कि 341 के तहत अगर शेड्यूल कास्ट की सूची में अगर किसी भी जाति को दर्ज किया जाता है, शामिल करने का काम होता है, तो निश्चित रूप से उनके उस आरक्षण रिजर्वेशन के प्रतिशत को अनुपात को भी बढ़ाने का काम किया जाए। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के जरिए बिहार की सरकार हो या फिर उत्तर प्रदेश में रही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनका ये मानना तो जरूर था कि तमाम अति पिछड़ा जो जातियां है उनको शेड्यूल कास्ट की सूची में दर्ज किया जाए, लेकिन कहने के उनके अनुपात उनके प्रतिशत को रिजर्वेशन को बढ़ाने को लेकर कहने के उनका जो निर्णय वो कहने के साफ तौर पर नहीं देखा जा रहा था, जिस पर जो बड़ी प्रतिक्रिया बहन मायावती के जरिए ही देखी गई थी। लेकिन अभी तमाम अटकलें जो लगातार राजनीतिक तौर पर अनेकों प्रकार से जो वोटों को अपने पाले में लेने की कोशिश की जा रही थी उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अंकुश लगा दिया है और सीधे सीधे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास में इन मसलों का अधिकार नहीं होते हुए संसद के पास में इसका अधिकार है, ये तमाम चीजें पूरी तरीके से अब साफ कर दी गई है। इस मसले पर अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।